सो गाइस वी आर गोइंग टू डू गो कार्टिंग. ऋषि भैया, मी, सन्नी भैया एंड करण भैया पीछे बैठे हैं और हम जा रहे हैं करण भैया की सेल्टॉस में. तो ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बन गया, सोचा व्लॉग भी कर लें. ऋषि भैया बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस हैं. कैमरा शाय, कैमरा कॉन्शियस. गाड़ी नहीं चलेगी भाई, मत लो पकड़. एंड मैंने माइक नहीं लगाया हुआ है तो आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, बट आई ट्राई टू इंक्रीज इन एडिटिंग. तो चलो चलते हैं गो कार्टिंग करने, वहाँ पहुँच के फिर वहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं. सो गाइस वी जस्ट रीच द मॉल जहाँ पे हम गो कार्टिंग करने आए हैं और मेरे सामने इस मॉल की पार्किंग में जी वैगन खड़ी हुई है. लेट मी शो यू, चेक दिस आउट गाइस, जी वैगन. वाओ, फ्लैश जलानी पड़ेगी क्योंकि लाइट थोड़ी कम है. नाइस, G63 AMG. So that was G wagon guys. अब चलते हैं ऊपर गो कार्टिंग करने. So guys finally we are here at the go karting and entry यहाँ से है and this is the track. तो मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ गो कार्टिंग करने. लेट्स सी हाउ इज इट. ओह, यहाँ पे पूल टेबल भी है. हेलो, moments later. So guys we are all prepped up for the go-karting. So go-karting karne se pehle track ka ek chakkar maar rahe hain because humne pehle kabhi is track pe chalaya nahi hai. To paidal ek track ka chakkar maar rahe hain. Hey, so hum track ki recce kar rahe hain. And ek cheez aapko aur dikhata hu. Maine Sunny bhai ko camera pe na diya hai. So we'll be recording everything in this. तो जो भी गो कार्टिंग करते हुए एक्शन, मैं ही नहीं दिखूंगा सिर्फ, बाकी सब दिखेंगे. सन्नी भाई नहीं दिखेंगे, बाकी सब दिखेंगे. तो गो कार्टिंग करते हुए जो भी एक्शन होगा वो उसमें रिकॉर्ड होगा एंड विल शो यू. सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर कार एंड देन लेट्स स्टार्ट द रेस. धूम भाई ऐसे करने.
एक सेशन कर लिया है और उसकी टाइमिंग आ गई है, बट वो अभी नहीं निकलूँगा क्योंकि प्रैक्टिस सेशन टाइम से, तो एक सेशन अभी और करेंगे। बारिश और बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अभी एक सेशन और करेंगे, उसके बाद आपको फाइनल टाइमिंग दिखाऊंगा। जस्ट डिड द सेकेंड सेशन। अब सन्नी भैया और एशले भैया जा रहे हैं, तो अब मैं नहीं जा रहा, लेकिन दो सेशन और होंगे। अब दो दो लोग, सन्नी भैया, एशले भैया, उसके बाद ऋषि भैया और करण भैया जाएंगे। तो ये दो सेशन हो जाए, उसके बाद चलते हैं वापस ऑटोबॉट। सिर्फ बताएंगे कि किसका टाइम सबसे फास्टेस्ट था। वन आवर लेटर। ओके पीपल, फाइनली वी आर आउट ऑफ द गो कार्टिंग। एक्चुअली वहाँ पे मैंने फाइनल शॉट इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक तो वहाँ पे बेसमेंट था, वेंटिलेशन ही थी। गो कार्टिंग करने का सबकी हालत ऐसी हो रही है गर्मी से एंड वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, तो बस अभी गाड़ी में फुल पे एसी चला के वापस स्टोर पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ कि कौन जीता एंड वहीं जाके अपडेट देता हूँ। Soon after. So guys, we are back at the Autobots and अब आपको मैं स्कोर दिखाई देता हूँ। तो ये था पहला सेशन जो कि एक प्रैक्टिस मान लें, जो भी मान लो। ऋषि भैया इसमें फर्स्ट, एरिगेंसी फास्टेस्ट लैप। सेकेंड वॉज सन्नी भैया, मैं थर्ड था, करण भैया फोर्थ थे। ये फास्टेस्ट लैप है हम सबके एंड ये टाइम वाइज। देन ये था सेकेंड सेशन, अगेन ऋषि भैया फर्स्ट 38 सेकेंड्स, देन करण भैया, देन सनी भैया, मैं फोर्थ, फिर एशले भैया भी आ गए थे
एशले भैया ये रहे, एंड एशले भैया का ये फर्स्ट था तो ये इसमें लास्ट है क्योंकि प्रैक्टिस उनकी हो रही थी। फिर सेकंड के बाद मैंने किया नहीं, सेकंड के बाद इन चारों ने किया। तो पहले गए थे एशले भैया और सन्नी भैया, तो इसमें जीते एशले भैया एंड देन सन्नी भैया 43 seconds। देन उसके बाद गए करण भैया और ऋषि भैया, इसमें करण भैया वॉज द फास्टेस्ट 39 एंड देन ऋषि भैया 39। बहुत मार्जिनल डिफरेंस है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। ऋषि भैया का सबसे फास्टेस्ट टाइम था ये बैठे ऋषि भैया, इनका 38 seconds आए एंड दैट वॉज द फास्टेस्ट टाइम। तो ये देखो ये हो रहा 38.376। एनीवेज गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ये थी हमारा छोटा सा गो कार्टिंग का एडवेंचर। पसंद आया तो यू नो व्हाट टू डू, आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, पीस आउट। ये कह रहे हैं बिल्कुल पसंद नहीं आया जी फोर्सेस। बाय गाइस। सो गाइस ये है ऋषि भैया मुंह छुपाते हुए। तुम तो रिकॉर्डिंग कर तो ब्लॉग में रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। अरे मतलब तू ब्लॉग में नहीं आएगा? नहीं क्यों, गो कार्टिंग करते हुए? अरे ना करो, बड़ा बंदा शाय है। दो गाड़ी दो गाड़ी दो, ये सारे ब्लू कर दे, ये एंड में काम लेक्सस। ये जा रही है लेक्सस, ये बैठे ऋषि भैया भाई लुक रहे मत करो भाई ये इसमें ना। अरे रुक तो जाओ यार, तुम पहले मेरे मुंह की तरफ कर देते हो। सुन फर्स्ट का शॉट स्पॉटलाइट। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो ऋषि भैया, हाउ द जी वाज मैन? सारे दिखा दिए, लास्ट वाला जरूर दिखाऊंगा। चीटर भी दिखा दो, फिर गाड़ी ठोक रहा। ये बंदा वैसे गाड़ी ठोक रहा था, मेरी भी ठोकी है, पता नहीं उसमें तुम लोग साइड नहीं दे रहे थे मेरे को। मेरी भी सन्नी भाई की थी, सबकी ठोकी है मेरी। रेकलेस ड्राइवर, दीस पीपल आर कॉल्ड रेकलेस ड्राइवर्स। तो इनकी बात हो रही है ऋषि भैया की, ही इज द रेकलेस ड्राइवर। इन्होंने मेरे को साइड दो ना, फिर मैं कह रहा चिल्ला रहा हूं। जगह थी वहां पे साइड देने की भाई, क्या जैसे आपने ब्रेक मार लिए थे शांति से। हां तो मैं तो रुक गया था, ये लोग भी रुक रहे थे ना साइड में, मैं उसमें टायरों में गया था फिर ऋषि भैया ने सबकी गाड़ी ठोकी है, मेरी भी ठोकी है। आई डोंट नो एक्शन कैमरा में कितना फुटेज आया कितना नहीं आया, जितना आया होगा वो आपने देख लिया होगा, बट ऋषि भैया ने सबकी गाड़ी ठोकी है। और ऋषि को मैंने आगे भी नहीं निकलने दिया, फंसा के रखा था, निकलने नहीं दिया साइड ही नहीं दे रहे थे मेरे को। और वो फग्गू सिंह उसने मेरे को टक्कर मारी। भाई वो सबके आगे निकल गया वो। भाई उसकी गाड़ी अच्छा पता नहीं क्या करता है, डिहाइड्रेशन तो जिम में होती है। फिर उसके बाद फाड़ियां निकलेंगे टमाटर की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मी विनर। अरे यार अब तो गाड़ी भी काम करता 38.36। ऋषि आएगा कल, नहीं कल नहीं परसों आएगा अपने नए बैग के साथ। Yes, thank you so much. नई बाइक, नया बैग, नया बैग। ज्यादा ऊंची उड़ान। तू क्यों मुझे ले जाओ मेरे से? बुलेट तो चलाता भी है नई बाइक का। जींस की चप्पलों में चला रहे थे। मार को क्या लग रहा है? चप्पल की शूट फोटो वीडियो मत ले लेना तुम अब। नहीं नहीं ये देखो चप्पलों में चला रहे थे चप्पल।